हेलो गाइस, आशा सिंह और नील भट्ट, इन दोनों की जोड़ी सई और विराट के कैरेक्टर से घर घर में फेमस हुई है। लोगों ने सई और विराट की जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जी हाँ, गुम है किसी के प्यार में शो के अंदर ये जोड़ी नज़र आई थी। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये जोड़ी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। सीज़न 2 की डिमांड इस शो की जो बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब यहाँ पर जिस तरीके से डिमांड चल रही थी, ये पता चल रहा था, खबरें सामने आ रही थी कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट होने वाली है, तो फैंस सीज़न 2 की डिमांड कर रहे थे कि एक बार फिर से सई और विराट के ऊपर ही सीज़न 2 एक अलग तरीके से बेस्ड किया जाए, जहाँ पर कहानी जितनी आगे बढ़ चुकी है वहाँ से एक बार फिर से नई स्टार्टिंग हो। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यही वजह है कि डिमांड चल रही है कि इस जोड़ी को लेकर मेकर्स को आना चाहिए दोबारा से। अब किस तरीके से चीज़ें पॉसिबल होंगी तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, सई और विराट की जोड़ी अगर दोबारा से नज़र आती है, मतलब नील और ऐसा एक साथ दोबारा नज़र आती है, तो वाकई में उस प्रोजेक्ट की पे बहुत ज़्यादा हाई आने वाली है। लेकिन अगर चीज़ों को पर्सनली देखा जाए तो सही कहीं ना कहीं से इस तरह से भी बातें सामने आती हैं कि शायद अब एक दूसरे के साथ काम करते हुए नज़र ना आए नील और आयशा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में अनबन है। सो इस तरीके से भी बातें सामने आती हैं। लेकिन प्रोफेशनली अगर बात करी जाए तो प्रोफेशनली दोनों को अगर कास्ट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में तो नज़र आ सकते हैं दोनों, क्योंकि प्रोफेशन की बात अलग है और पर्सनल चीज़ें अलग हैं। सो नील और ऐसा साथ में नज़र आते हैं तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट की टीआरपी हाई आने वाली है। कहीं ना कहीं खबरें भी सामने आ रही हैं, और आयशा की अगर हम बात करें तो उनके पास प्रोजेक्ट के कई सारे ऑफर गए हुए हैं, लेकिन उनमें से किस प्रोजेक्ट को वो साइन करने वाली हैं, किन चीज़ों में चीज़ें वर्कआउट करती हुई नज़र आएंगी, किस प्रोजेक्ट में वो देखने को मिलेंगी, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अगेन डेली शो भी हो सकता है, इस तरह से उम्मीद करी जा रही है। सो डेली शो के ज़रिए अगर वो नज़र आती हैं तो डेली शो की कोई तो ऑलरेडी हैं ही, लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ चुकी हैं सही के कैरेक्टर से, तो डेफिनेटली फैंस एक्साइटेड हैं उनके न्यू प्रोजेक्ट को लेकर। और अगेन वो डेली शो होगा तो फैंस के लिए से बड़ी गुड न्यूज़ क्या ही होने वाली है। और साथ में अगर कहीं नील भट्ट उनके अपोजिट नज़र आते हैं तो वाकई में सोने पर सुहागा जैसा काम होगा। अभी तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि होने क्या वाला है। एक्साइटमेंट बताना, कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। And thank you for watching.